तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार, मैं रसी गुप्ता, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों का सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम विनायक जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बदलाव के लिए इंकलाब होना चाहिए, इंकलाब के लिए सैलाब होना चाहिए। सैलाब उठ रहा है, हवा भी है गर्म, है वक्त की नजाकत, बदलाव होना चाहिए। और आज जरूरत है कपिल जी कि जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। केजरीवाल जनता को जवाब दो, केजरीवाल जनता को जवाब दो। अरे घपले और घोटालों का हिसाब दो, घपले और घोटालों का हिसाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। और हमारे बीच में आज हमारे बीच में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री कपिल मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वे हमारे साथ मंच साझा करें। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। विदेशी दौरे करके कितना चंदा उगाया, विदेशी दौरे करके कितना चंदा उगाया। किस किसने मिलके बोलो कहा है छुपाया, किस किसने मिलके बोलो कहा है छुपाया। ये किसके इशारे पे काम हो रहा, असली गुनहगार अभी कहाँ है सो रहा, असली गुनहगार अभी कहाँ सो रहा। ये कैसी लूट मार है हिसाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। अरे जनता के सवालों का जवाब दो। और भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं कपिल जी? अरे चंद लोग मिलके भ्रष्टाचार कर रहे, जो अन्ना के नाम को बदनाम कर रहे, जो अन्ना के नाम को बदनाम कर रहे। अरे लोगों का तुम पे विश्वास उठ गया, और इज्जत गई कारवां भी लुट गया। क्यों चुप हो मौनी बाबा, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सारे खपले और घोटालों का हिसाब दो। और दिल्ली में क्या हो रहा है? अरे रेप सरे आम लूट मार हो रही, रेप सरे आम लूट मार हो रही। अरे आंख मूंद के ये सरकार सो रही, क्यों आंख मूंद के ये सरकार सो रही। अरे जनता परेशान इसकी जांग रो रही, जनता परेशान इसकी जांग रो रही। बेईमानों की जगह जगह थू थू हो रही, बेईमानों की जगह जगह थू थू हो रही। राजनीति क्या व्यापार है, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। अरे घपले और घोटालों का हिसाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। जनता की नजरों में हो गया स्पष्ट है, जनता की नजरों में हो गया स्पष्ट है। केजरीवाल पार्टी में सबसे बड़ा भ्रष्ट है, केजरीवाल पार्टी में सबसे बड़ा भ्रष्ट है। कल तक इनकम टैक्स के छापे मारता था, घपले करने में बड़ा एक्सपर्ट है। ये
घपले करने में बड़ा एक्सपर्ट है। किस बात का गुरूर है, जवाब दो, 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 कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। अरे दिल्ली की सारी जनता परेशान है, आज दिल्ली की सारी जनता परेशान है। अरे देख के करतूत लोग हैरान है, देख के करतूत लोग हैरान है। भ्रष्टों पे केजरीवाल मेहरबान है, भ्रष्टों पे केजरीवाल मेहरबान है। लगता है चंद दिन का मेहमान है, लगता है चंद दिन का मेहमान है। ये अंदर की बात है, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब दो। अरे घपले और घोटालों का हिसाब दो, अरे जनता के सवालों का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा, केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा। फर्जी डिग्री वाले बनेंगे कानून के रखवाले, घपले घोटाले करने वाले इसके चाहने वाले सारे, इसके चाहने वाले सारे, इसके चाहने वाले। अपने रिश्तेदारों को ये दे दिए पद सरकारी, इसके संगी साथी निकले सारे भ्रष्टाचारी। देखो सारे भ्रष्टाचारी, देखो सारे भ्रष्टाचारी। हे रामचंद्र कह गए थे सिया से, कुर्सी पाने की खातिर क्या क्या ढोंग रचाया इसने, क्या क्या ढोंग रचाया इसने, क्या क्या ढोंग रचाया। अरे झूठे वादे करके इसने जनता को बहकाया, इसने जनता को बहकाया, इसने जनता को बहकाया। अरे झूठी कसमें खाई थी, ना लूंगा बंगला गाड़ी, ना लूंगा बंगला गाड़ी, ना लूंगा बंगला गाड़ी। अन्ना को धोखा देने वाला ये निकला बड़ा खिलाड़ी, देखो निकला बड़ा खिलाड़ी, देखो निकला बड़ा खिलाड़ी। ये रामचंद्र कह गए थे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा, केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा। दिल्ली की सारी जनता ने इस पे था विश्वास किया, गोवा पंजाब में रहा घूमता, दिल्ली का सत्यानाश किया भाई, दिल्ली का सत्यानाश किया भाई, दिल्ली का सत्यानाश किया। 3 साल में इसने कभी भी किया न कोई काम, बात न करने का है बहाना, अरे सर्दी और जुखाम इसको, सर्दी और जुखाम रहता, सर्दी और जुखाम। भ्रष्टाचार मिटाने की इसने कसमें खाई, घपले घोटाले करके सबने कर ली खूब कमाई, इसने कर ली खूब कमाई, इसने कर ली खूब कमाई। अरे जनता ने जो इज्जत दी थी इसको रास ना आई, इसके अपने झाड़ू ने ही कर दी इसकी सफाई भैया, कर दी इसकी सफाई भैया, कर दी इसकी सफाई। रामचंद्र कह गए थे सिया से, रामचंद्र कह गए थे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा, केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा। फर्जी कंपनी बना बना के ये मार
काल को कर रहे गोल, विदेश में ले विदेश में जाके मजे लिए अब खुलने लगी है पोल, सारी खुलने लगी है पोल, इसकी खुलने लगी है पोल। अरे घपले घोटाले सामने आए उड़ के जोश और होश, भ्रष्टाचार मिटाने वाला अब क्यों है खामोश, देखो अब क्यों है खामोश, देखो अब क्यों है खामोश। ऐसा कलयुग आएगा, केजरीवाल सीएम हो भ्रष्टाचार फैलाएगा, केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा, अरे केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा, केजरीवाल सीएम होगा जो भ्रष्टाचार फैलाएगा। सतमोला कवियों की चौपाल और सुदर्शन टीवी के साहित्य संपादक डॉक्टर परवीन आर्य जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे आए। कार्यक्रम के निर्देशक डॉक्टर सुरेश नीरव जी और मार्गदर्शक प्रोफेसर राजवीर सिंह क्रांतिकारी जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। और अब मैं निवेदन करता हूं माननीय कपिल मिश्रा जी से, जिन्होंने भारत भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी है और उसके लिए उन्होंने अपने मंत्री पद तक की तिलांजलि दे दी। मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमें शुभकामनाएं दें। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं प्रवीण आर्या जी को, सुरेश नीरव जी को और हमारे जो मार्गदर्शक हैं श्री क्रांतिकारी जी, उनको। ये एक पहचान बन चुकी है सतमोला कवियों की चौपाल, किस प्रकार से साहित्य जो है वो समाज से जुड़ सकता है और समाज को जोड़ भी सकता है मुद्दों से, और दोबारा इसको जिस प्रकार से शुरू किया जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और इसी प्रकार से प्रेरित करते रहें, देश के सभी लोगों को साहित्य से जोड़ते रहें और साहित्य जो है वो समाज के मुद्दों को उठाता भी रहे और सही जगह तक पहुंचाता भी रहे। तो बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद कपिल जी हमारा साथ देने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पंडित सुरेश नीरव जी को, जिन्होंने कादम्बिनी पत्रिका का 35 वर्षों तक संपादन किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उनकी एक रचना के लिए। सतमोला की चौपाल के इस कवि सम्मेलन में मुझे बेहद खुशी है कि शिरकत करने का मौका मिल रहा है। वैसे मैं 2-3-4 बार पहले भी आ चुका हूँ। आज का संदर्भ बिल्कुल अलग है, कपिल मिश्रा जी यहाँ हैं, ये मेरे बड़े प्राचीनतम मित्रों में हैं, क्योंकि कई कवि सम्मेलनों में इन्होंने मुझे मालाएं पहनाई, चाहे वो लाल किले का कवि सम्मेलन हो, चाहे मुशायरा हो, कई आयोजनों में मुझे सौभाग्य मिला कि इनके द्वारा सम्मानित हूँ। आज के संदर्भ में मैं कपिल जी आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि दोस्तों को भी पालते रहिए। देखिए, अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा। जी जी, वाह। और आपको भी अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा। जी, कि दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए, दुश्मनों पे तो कुछ भरोसा है, दोस्तों को संभालते रहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए,
दुश्मनों पे तो कुछ भरोसा है, दोस्तों को संभालते रहिए, दोस्ती का भरम भी रह जाए, दुश्मनी निकालते रहिए। दोस्ती का भरम भी रह जाए, दुश्मनी निकालते रहिए, और ये नेकियां ही तो काम आएंगी। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये नेकियां ही तो काम आएंगी, इन्हें दरिया में डालते रहिए। ये नेकियां ही तो काम आएंगी, इन्हें दरिया में डालते रहिए। और आज की सत्ता का जो चरित्र है, मैं बिना नाम लिए कहता हूँ, सब समझदार लोग हैं, क्या जरूरी है काम को करना, क्या जरूरी है काम को करना, काम कोई हो टालते रहिए। क्या बात, क्या जरूरी है काम को करना, काम कोई हो टालते रहिए, और जो तुम्हें सुर्खियों में रखते हो ऐसे जुमले उछालते रहिए। जो तुम्हें सुर्खियों में रखते हो ऐसे जुमले उछालते रहिए, और अब कहाँ पे मिलेगी ब्लैक मनी, खाली खाते कंगालते रहिए। क्या बात, एक रचना के दो तीन शेर और मैं कह देता हूँ कि दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, कपिल जी पूरा आनंद ले रहे हैं। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए, सर उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, सर उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुक मोड़िए। वाह वाह, सर उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुक मोड़ दिए। और एक शेर देखिएगा कपिल जी, ये हिंदुस्तान के बाहर भी मशहूर हुआ है कि जब अपने पे दर्द आता है तो दूसरे का दर्द समझ में आता है। क्या बात है, कि अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, वाह 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 वाह, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़, वाह 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 वाह, क्या बात है, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। और इस लोकतंत्र में नई पीढ़ी के लिए बड़ी भारी समस्या है कि वो अपना आदर्श किसे माने। अब कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि कहे मैं जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, कहे मैं जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, बल्ब जलते थे जो खंभों पे सभी पोले। और आज की जो राजनीति है वो उस पर मेरा अंतिम में पढ़ देता हूँ क्योंकि समय कम है, कि ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर, सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़। ऐसी आसत, मुझे मालूम था आपकी भावनाएं भी इतनी धार्मिक हैं। ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर,
सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़। वाह 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 वाह। और हमें पन्नकार संपत्ति हमारी है कलम। आहा, हमें पन्नकार संपत्ति हमारी है कलम। दिल के टूटे थे जो रिश्ते वो सभी जो दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए। तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़। वाह 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 वाह। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने राजनीति की बात की, मुझे कपिल जी चार पंक्तियां याद आती हैं कि नेता डॉक्टर के पास आया अपनी पुरानी खांसी के बारे में बताया। अच्छा, नेता तो, का नाम भी बता दिया आपने। नहीं नहीं, आप समझ जाओगे। नेता डॉक्टर के पास आया अपनी पुरानी खांसी के बारे में बताया। डॉक्टर बोला ये राजनीतिक खांसी है, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। अरे इस खांसी का नाम केजरी है, ये तो MCD चुनाव हारने के बाद ही जाएगी। हमारे साथ आज देश के वो बड़े ओजस्वी कवि विद्यमान हैं जिन्हें हम प्रोफेसर राजवीर सिंह क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। और विशेष बात यह है कि हमारी सीमाओं पर सैनिक एक तरफ गोलियां दाग रहे होते हैं तो दूसरी तरफ स्मरण कर रहे होते हैं प्रोफेसर राजवीर सिंह क्रांतिकारी जी की कविताओं का आनंद ले रहे होते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे होते हैं साथ में कविताएं। तो आज जिन फौजियों को मैंने बहुत गुनगुनाते हुए जिनकी कविताएं सुना है, आज उनसे रूबरू होने का अवसर हमें मिला है। प्रोफेसर राजवीर सिंह क्रांतिकारी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। धन्यवाद। मित्रों, एक रचना जो मैंने लगभग 1986 में 1986 जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय की लिखी हुई रचना है। इसके दो बंद चलते रहे और बीच का बंद जो है जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे बदलता गया। जी स्वागत। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं। क्या बात है। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं और भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। वाह 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 वाह। क्या बात है। एटम बम बना करके तुम फिर से मद में फूल गए। 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक चला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट उड़ा डाला। और याद करो गाजी वेड़ा एक झटके में ही डुबा दिया, ढाका में जनरल न्याजी को दूध छटी का पिला दिया। और याद करो 90,000 बंदी उन पाक सियारों को। वाह 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 वाह। क्या बात है। याद करो 90,000 बंदी उन पाक सियारों को और याद करो शमला समझौता भारत के उपकारों को। अरे अब कह जंग छुड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। वाह 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 वाह। ये पंक्तियां पूरे देश ने सुनी, बड़ी टेलीफोन आए, बड़े सब सब दावे कर दो कर, अरे यार बन के काय के दावे कर दें। एक सैनिक ने एक बात कही है उस पर दावा करेंगे हम लोग हैं। अरे कवि कविता पढ़ रहा है तो उसे जो पसंद आ रही है ठीक है, और मान लीजिए 1-2 लाख आदमियों में कोई इस रचना को पढ़ेगा तो वहाँ 10-12 आदमी तो ऐसे ज़रूर होंगे ये कहने वाले कि ये रचना जो है प्रोफेसर क्रांतिकारी की लिखी हुई है जी। तो वो प्रचार अपने आप होता है ऑटोमेटिक। मियां मुशर्रफ, अब देखिए साहब जी, जब बेनजीर थी तो मैंने 4 लाइन लिखी थी, तुम जच्चा घर में रहती हो सरहद पर जाना क्या जानो। तुम जच्चा घर में रहती हो सरहद पर जाना क्या जानो, तुम युद्ध युद्ध चिल्लाती हो तुम युद्ध रचाना क्या जानो, तुम केवल भाषण कर सकती हथियार उठाना क्या जानो, और तुम बिना मौत मर सकती हो पर शीश कटाना क्या जानो। वाह वाह। तुमको दफनाने को कोई भी कब्रिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। क्या बात। अब साहब मुशर्रफ साहब का जमाना आ गया। मियां मुशर्रफ तुम क्या समझो इस भारत की हस्ती को,
और बस्ती बस्ती मस्ती मस्ती इसकी वतन परस्ती को। भूल गए तुम कारगिल में तुमने कितनी बमबारी की, 2 महीने भी हुए नहीं ऐसी दुर्गति तुम्हारी की। चारों ओर आग की लपटें धुआं धुआं उड़ा दिया और लाश तक भी उठा ना पाए सफेद झंडा दिखा दिया। लाश तुम्हारी पंक्ति देखेगा, ये पंक्ति केवल हिंदुस्तानी कह सकता और नहीं पूरे दुनिया के अंदर। लाश तुम्हारी कफन हमारे, वाह 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 वाह। लाश तुम्हारी कफन हमारे, हमने उनको दफन किया क्योंकि हम इंसान हैं, हमने इंसानों का कर्म किया। वाह वाह। लेकिन तुमने तो लाशों से कितनी क्रूर जलालत की, अंग भंग कर डाला उनको बस से बदतर हालत की, और संसद पर हमला करवा के पेट तुम्हारा भरा नहीं। जो दरख्त अब सूख चुका है होगा हरगिज हरा नहीं। वाह वाह वाह। और मियां नवाज तुम चाल बात चालों पर चाल चलाते हो, जब हर मोहरा पिट जाता तो तुम अमन के जाल बिछाते हो, और अपनी सत्ता की खातिर कश्मीर का ढोल बजाते हो, और अपनी कुर्सी की खातिर तुम नाटक रोज दिखाते हो, और 20-20 सैनिक मरवा कर आग लगा दी पानी में, युद्ध का शोला भड़क उठा है हर दिल हिंदुस्तानी में। तुमको अरे क्या होगा अंजाम इसका, तुमको अनुमान नहीं होगा। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं। ये लाइन जोड़ी गई है, ये वो नहीं सुना सकते क्योंकि उनके पास लिखी हुई नहीं है। ये तो बाद में लिखी गई है। अब जो ऑलरेडी लिखी हुई है, ये एटम बम पर हिम्मत, ये एटम बम और बम वर्षक पर हिम्मत कहाँ से लाओगे। वाह। ये एटम बम भी, ये बम वर्षक पर हिम्मत कहाँ से लाओगे, और इन्हें चलाने को बोलो कि अपना बाप बुलाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। ताशकंद शिमला जैसा अब कोई काम नहीं होगा, अब जो भी होगा आर पार रुकने का नाम नहीं होगा, और अब के चिंता मत कर बेटे चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की फिर क्या आस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे। वाह 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 वाह। और क्या भूगोल बदला जाएगा, धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा। बड़े बड़े महान कवियों की समझ में नहीं आ रही लाइन। मैंने कहा बेटा अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे जब समझोगे। धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा, पिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, और सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। अब फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। वाह वाह वाह। एक 8 पंक्तियां देकर के अपना समापन कर रहा हूं। जब सोने तक पर जंग चढ़ा, लोहे को दोष लगाना क्या। वाह वाह वाह। जब सोने तक पर जंग चढ़ा, लोहे को दोष लगाना क्या। जब मौसम ही मक्कार तो फिर बादल से आस लगाना क्या। जब माली ही कमजर्फ, जिसके बारे में कपिल जी बहुत दिन से कह रहे हैं, जब माली ही कमजर्फ तो फिर कागों से बाग बचाना क्या। जब हर कोई गद्दार तो फिर गद्दारों को अजमाना क्या। इसलिए वक्त कहता है लहू का रंग दिखाना ही होगा, भारत को अब निश्चित भारत वर्ष बनाना ही होगा। वाह वाह वाह। हिंदू कहने पर पाबंदी, हिंदी पढ़ने पर पाबंदी, और कश्मीर में अमर तिरंगा फहराने पर पाबंदी। केवल हिंदू की हदबंदी, केवल हिंदू की चकबंदी दुर्भाग्य देश में होती है, केवल हिंदू की नसबंदी। वाह वाह वाह। हिंदू के 2 या 3, हिंदू की केवल 1, और इनकी है 4-4 शादी। हिंदू के 2 या 3 वहां क्रिकेट की टीम ही बनवा दी। ये तुष्टिकरण की राजनीति इस देश में आग लगा देगी, 10-20 वर्ष में भारत को इस्लामी राष्ट्र बना देगी। हाथ जोड़ने से यदि रावण, अब देखिएगा साहब, अब हम कह रहे हैं खुलकर, ये और कोई नेता नहीं कह सकता, इस देश का दावा है, मेरा चैलेंज है। हाथ जोड़ने से यदि रावण सीता को लौटा देता तो लंका का दहन न होता, ना रावण मारा जाता। और हाथ जोड़ने से दुर्योधन 5 गांव ही दे देता
तो कुरुक्षेत्र के महासमर में इतना ध्वंस नहीं होता, इसलिए युद्ध के बिना कोई परिवर्तन होना मुश्किल है। एक सुई की नोक बराबर धरा का मिलना मुश्किल है, और बिना युद्ध के देश धर्म ईमान बचाना मुश्किल है, बिना युद्ध के अपना हिंदुस्तान बचाना मुश्किल है, और बिना युद्ध के उग्रवाद की जड़ें मिटाना मुश्किल है, और बिना युद्ध के पाकिस्तान को सबक सिखाना मुश्किल है, और बिना युद्ध के अब तो अपना राम बचाना मुश्किल है, और बिना युद्ध के मंदिर का निर्माण कराना मुश्किल है। इसलिए वक्त कहता है युद्ध का बिगुल बजाना ही होगा, भारत को अब पूरा भारतवर्ष बनाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि हुआ पैदा नहीं कोई हमें ललकार कर जाए, हुआ पैदा नहीं कोई हमें ललकार कर जाए, बड़ी नापाक कोशिश को वो फिर साकार कर जाए, हमारे वीर सैनिक तो खड़े रहते सदा चौकस, किसी की है कहां हिम्मत जो हम पे वार कर जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज हमारे साथ कपिल मिश्रा जी, पंडित सुरेश नीरव जी, प्रोफेसर राजवीर सिंह क्रांतिकारी जी और श्री पुरुषोत्तम विनायक जी, सतमोला कवियों के इस चौपाल में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती, हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया।